हेलो एवरीवन मैं मनीषा चौहान और हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वाला में आपका स्वागत है तो कल हमने सॉयल साइंस की ऑब्जेक्टिव की एक क्लास ली थी और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपने उसको ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को सुने होंगे और आपने आपके अकॉर्डिंग कॉपी में नोट डाउन किया होगा और आपने अपने आप को जज किया होगा कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही थे और गलत थे तो क्यों गलत थे तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन व्हेन ऑर्गेनिक मटर एडेड इन टू इंटू द सॉइल इफेक्ट ऑन बल्क डेंसिटी जब अपन ऑर्गेनिक मैटर एड करते हैं तो बल्क डेंसिटी क्या होगी तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट इंक्रीज बढ़ेगी ऑप्शन बी नो इफेक्ट कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ऑप्शन सी डिक्रीज ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी तो क्या जब सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं तो बल्क डेंसिटी क्या होती है कम हो जाती है क्यों क्योंकि बल्क डेंसिटी जो है इंक्रीज होगी तो पोरोसिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज़ हो जाएगी इन्वर्सली रिलेटेड होती है अब, अग, अब अगर अपन ने सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर डाला ऑर्गेनिक मैटर डाला तो पोरोसिटी क्या होगी इनक्रीज़ होगी और पोरोसिटी तो इंक्रीज हो तो बल्क डेंसिटी क्या होगी डिक्रीज हो जाएगी तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी डिक्रीज नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक कलर इन कन्हार या वर्टी सॉइल तो इनमें से कौन सा फैक्टर है जो सॉइल के ब्लैक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर ए हेमेटाइट ऑप्शन नंबर बी टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट ऑप्शन नंबर सी जियोटाइट या ऑप्शन नंबर डी ऑर्गेनिक मैटर ये क्वेश्चन कल की क्लास में भी था इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर इन भाटा या एंटी सॉइल जो सॉइल का जो रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है तो ऑप्शन नंबर ए हेमाटाइट ऑप्शन नंबर बी जियोटाइट ऑप्शन नंबर सी मैगमाइन या ऑप्शन नंबर डी गिप्साइट तो सॉइल का जो रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है ये क्वेश्चन भी कल की क्लास में था तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे नेक्स्ट है विच वन इज़ लोअर कैटेगरी फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल सॉइल की जो जो सॉइल का क्लासिफिकेशन करते उसमें सबसे स्मॉलेस्ट या लोअर जो कैटेगरी होती है वो कौन सी होती है तो इसके ऑप्शन क्या है फर्स्ट सॉइल ऑर्डर सेकेंड फैमिली थर्ड सॉइल सीरीज या फोर्थ नन ऑफ दी अबो तो लोएस्ट कैटेगरी कौन सी होती है सॉइल सीरीज और सबसे ऊपर वाली जो बिगेस्ट हो बिगेस्ट के लो या सबसे अपर जो कैटेगरी होती है वो क्या होती है सॉइल ऑर्डर और सबसे लोएस्ट कौन सी है सॉइल सीरीज़ तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट है विच क्लेम मिनरल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रैकिंग इन ब्लैक सॉइल ब्लैक सॉइल के अंदर जो क्रैकिंग हो जाती है दरारे पड़ जाती है तो उसके लिए कौन सा मिनरल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है तो इसके ऑप्शन क्या हैं ऑप्शन नंबर ए केवली ऑप्शन नंबर बी इलाइट ऑप्शन नंबर सी वर्मिक या ऑप्शन नंबर डी मॉन्ट मोरिलो नाइट तो जो ब्लैक सॉइल के अंदर जो क्रैकिंग आ जाती है उसके लिए कौन सा मिनरल रिस्पॉन्सिबल है तो ऑप्शन नंबर डी माउंट मोरिलो नाइट नेक्स्ट क्वेश्चन है पी एच मीटर मेज़र पी एच मीटर क्या मेज़र करता है तो इसका ऑप्शंस क्या है फर्स्ट है हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी सेकेंड हाइड्रोजन आयन का कंसनट्रेशन थर्ड एल्यूमिनियम आयन्स को या फिर फोर्थ ऑल ऑफ दी अबो तो इसका राइट right आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन आयन सॉरी ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी को पीएच मीटर मेज़र करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसी ईसी का फुल फॉर्म क्या है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ईसी मीटर मेज़र ईसी मीटर या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो मीटर होता है वो क्या चीज़ मेज़र करता है तो उसके ऑप्शंस क्या है टोटल सॉलेबल टोटल सॉल्ट इन सॉइल सॉइल के अंदर जो टोटल सॉल्ट प्रेजेंट होता है उसको मेज़र करता है सेकेंड है सोल्यूबल सॉ सोल्ट को थर्ड होता है बोथ सॉल्ट टोटल सॉल्ट और सोलियबल सॉल्ट दोनों को मेज़र करता है या फिर फोर्थ है नन ऑफ दी दबो इनमें से कोई नहीं तो जो ई मीटर होता है या जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है वो किसको मेजर करता है सोलेबल सॉल्ट इन सॉइल जो सोलिएबल सॉल्ट होता है सॉइल के अंदर उसको मेजर कौन करता है ई मीटर तो इसका राइट right आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्सन मेथड इज़ यूज फॉर फॉस्फरस एस्टिमेशन जो ओल्सन मेथड है वो फॉस्फोरस के एस्टिमेशन के लिए तो है बट कौन से सॉइल के लिए यूज़ किया जाता है तो ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर ए एसिडिक सॉइल के लिए ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रल या एल्काइली सॉइल के लिए ऑप्शन नंबर सी सेलाइन सॉइल के लिए ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दबों इन सारी सॉइल्स के लिए तो जो ऑल्सन मेथड है फॉस्फरस के एस्टीमेशन की वो किस सॉइल के लिए यूज़ की जाती है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रल टू एल्काइली सॉइल न्यूट्रल टू एल्काइली सॉइल के न्यूट्रल टू एल्काइली सॉइल में फॉस्फरस के एस्टीमेशन के लिए ऑल्सन मेथड का यूज़ किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अवेलेबल फॉस्फरस इन एसिड सॉइल तो एसिड सॉइल में फॉस्फोरस के डिटर्मिनेशन के लिए कौन से मेथड का यूज़ किया जाता है ऑप्शन नंबर ए ब्राय ब्राय नंबर वन सेकंड ओल्सन थर्ड वॉलक्ले एंड ब्लैक और फोर्थ होता है जैक्सन तो इसका राइट right आंसर क्या है ब्राय नंबर वन ब्राय नंबर वन जो मेथड है वो एसिडिक सॉइल में फॉस्फोरस अवेलेबल फॉस्फोरस को डिटमिनेशन डिटामाइन करने के लिए यूज की जाती है तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए ब्राय नंबर वन नेक्स्ट नेक्स्ट है के एम एन ओ फोर इसका फुल फॉर्म क्या है के एम एन ओ फोर का पोटेशियम पर मैगनेट पोटेशियम पर मैगनेट इज यूज फॉर पोटेशियम पर मैगनेट जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है के एम एन ओ फोर जिसको क्या बोलते हैं पोटेशियम पर मैगनेट पोटेशियम पर मैगनेट इज़ यूज फॉर पोटेशियम पर मैगनेट किसके लिए यूज़ किया जाता है तो इसके ऑप्शन क्या हैं फर्स्ट अवेलेबल नाइट्रोजन के लिए सेकेंड ऑर्गेनिक कार्बन के लिए थर्ड अवेलेबल फॉस्फरस के लिए एंड फोर्थ अवेलेबल पोटेशियम के लिए तो जो के एम एन ओ फोर है या पोटेशियम पर मैगनेट जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है अवेलेबल नाइट्रोजन के लिए यूज़ किया जाता है तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए अवेलेबल नाइट्रोजन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पोटास कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो पोटास के एस्टिमेशन के लिए यूज़ किया जाता है तो इसके क्या है ऑप्शन नंबर ए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ऑप्शन नंबर बी फ्लेम फोटोमीटर ऑप्शन नंबर सी कलरीमीटर या ऑप्शन नंबर डी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन तो इसका राइट right आंसर क्या है फ्लेम फोटोमीटर तो पोटास के एस्टिमेशन के लिए किसका यूज़ किया जाता है ऑप्शन नंबर बी फ्लेम फोटोमीटर का यूज़ किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है उसका यूज़ किसको डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है तो इसके ऑप्शंस क्या ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन के डिटरमिनेशन के, के लिए ऑप्शन नंबर बी फोस्फोरस के डिटर्मिनेशन के लिए ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम के डिटर्मिनेशन के लिए या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अवो सभी के लिए तो जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसको उसका यूज़ किसके डिटर्मिनेशन के लिए करते हैं ऑप्शन नंबर बी फोस्फोरस के डिटर्मिनेशन के लिए और पोटेशियम के डिटर्मिनेशन के लिए किसका यूज़ करते हैं फ्लेम फोटोमीटर का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोविंग प्लांट न्यूट्रिएंट इम पार्ट्स रजिस्टेंट टू डिसीज एंड इंसेक्ट पेस्ट तो डिसीज एंड इंसेक्ट पेस्ट के रजिस्टेंट के लिए कौन सा प्लांट न्यूट्रिय जो होता है वो ज़रूरी होता है या आवश्यक होता है तो इसके ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन ऑप्शन नंबर सी फॉस्फोरस या ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम तो इंसेक्ट डिसीज़ या इंसेक्ट पेस्ट के रजिस्टेंट के लिए कौन सा न्यूट्रियट आवश्यक होता है तो इसका राइट right आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द सोइल टेक्सचरल क्लास हैज क्ले कंटेंट मोर देन फोर्टी फाइव परसेंट देन इट इज़ कॉल्ड जो सॉइल टेक्स्चरल जो क्लास है उसमें अगर क्ले कंटेंट मोर देन फोर्टी फाइव परसेंट है तो वो जो टेक्सचरल क्लास है वो कौन सी क्लास कहलाएगी तो इसके ऑप्शन क्या है ऑप्शन ए सैंडी क्ले ऑप्शन बी सिल्टी क्ले लोम ऑप्शन सी सैंडी क्ले लोम या ऑप्शन डी क्लेस सॉइल तो अगर मोर देन फोर्टी फाइव परसेंट क्ले कंटेंट प्रेजेंट है तो वो सॉइल क्या कहलाएगी क्लेस सॉइल कहलाएगी तो इसका राइट right आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी क्ले सोइल नेक्स्ट क्वेश्चन है देर आर ट्वेल्व सॉइल ऑर्डर ऑफ सॉइल बट आउट ऑफ दिस सॉइल ऑर्डर रेड सॉइल हैज विच सॉइल ऑर्डर तो क्या है सॉइल ऑर्डर कितने होते हैं बारह बताया था मैंने आ, वागामी हाउस अवागामी अवागामी हाउस जो हैं वो ट्वेल्व सॉइल ऑर्डर्स हैं तो क्वेश्चन क्या है ट्वेल्व सॉइल ऑर्डर होते हैं उसमें से जो रेड सॉइल है वो कौन से ऑर्डर में आती है तो ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर ए अल्टी सॉइल में ऑप्शन नंबर बी अल्फी सॉइल में ऑप्शन नंबर सी वर्टी सॉइल में या ऑप्शन नंबर डी एरेडी सॉइल में तो रेड सॉइल का ऑर्डर कौन सा होता है ऑप्शन नंबर बी अल्फी सॉइल अल्फी सॉइल में रेड अल्फी सॉइल जो ऑर्डर है अल्फी सॉल जो ऑर्डर है उसमें कौन सा ये कौन सा है रेड सॉइल का ऑर्डर है तो राइट right आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी अल्फ़ी सोल वर्टी सॉयल ब्लैक सॉइल के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट सॉइल आर जनरली जो पिट साइल्स होती है वो जनरली कैसी होती है ऑप्शन so, क्या है ऑप्शन नंबर ए ब्लैक हैवी एंड न्यूट्रल ऑप्शन नंबर बी ब्लैक लाइट एंड बेसिक ऑप्शन नंबर सी ब्लैक हैवी एंड एसिडिक ऑप्शन नंबर डी रेड लाइट एंड एसिडिक तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है सी कौन सा ब्लैक हैवी एंड एसिडिक जो पिट सॉइल होती है वो ब्लैक भी होती है हैवी भी होती है और एसिडिक इन नेचर होती है तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज़ लीस्ट वेदरेबल इन सॉइल तो सॉइल के अंदर लीस्ट वेदरेबल मिनरल कौन सा है तो इसके ऑप्शंस क्या है फर्स्ट ओलिवाइन सेकेंड कैल्साइट थर्ड बायोटाइट या फोर्थ क्वार्ट्स तो जो लीस्ट वेजरेबल मिनरल जो है सॉइल के अंदर वो कौन सा आता है ऑप्शन नंबर डी क्वार्ट्स क्वार्ट्स जो होता है वो कैसा होता है लीस्ट वेजरेबल होता है सॉइल में नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम टोटल ऑफ़ दी एक्सचेंजेबल कैटाइंस द सम द सम टोटल ऑफ द एक्सचेंजेबल कैटाइंस दैट एस सॉइल कैन एब्जॉर्ब इज कॉल्ड इज कॉल्ड एस कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी विच क्लेम मिनरल हैज़ हाइएस सी ई सी क्या बोला है द सम टोटल ऑफ एक्सचेंजेबल कैटाइंस जो एक्सचेंजेबल कैटाइंस है उसका टोटल जो है वो सॉइल कैन एब्जॉर्ब इज कॉल्ड जो सॉइल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है तो वो क्या कहलाता है सी ई सी कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी ये सी सी की डेफिनेशन है और क्वेश्चन क्या पूछा है विच क्ले मिनरल हैज़ हाइएस्ट सी सी कौन से क्ले मिनरल की सी ई सी हाइएस्ट होती है तो ऑप्शन क्या है फर्स्ट केवलिनाइट सेकेंड इलाइट थर्ड वर्मिकुलाइट या फोर्थ मोन्ट मोरिनोनाइट तो इसका राइट right आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी वर्मिकोलाइट वर्मिकोलाइट की सी ई सी हाइएस्ट होती है नेक्स्ट होता है वॉट इज़ द साइज़ ऑफ़ फाइन सैंड पार्टिकल अकॉर्डिंग टू आई ट्रिपल एस क्वेश्चन क्या है वॉट इज द साइज़ ऑफ फाइन सैंड पार्टिकल अकॉर्डिंग टू आई ट्रिपल एस आई ट्रिपल एस के अकॉर्डिंग फाइन सैंड का जो पार्टिकल साइज़ है वो कितना होता है तो इसके ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर ए पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो टू से पॉइंट ज़ीरो टू तक ऑप्शन नंबर बी पॉइंट जीरो टू से पॉइंट टू तक ऑप्शन नंबर सी पॉइंट टू से टू तक या ऑप्शन नंबर डी पॉइंट वन जीरो से पॉइंट टू फाइव तक तो इसका राइट right आंसर क्या है फाइन सैन का जो पार्टिकल साइज है वो कितना होता है ऑप्शन नंबर बी पॉइंट जीरो टू से लेकर पॉइंट टू तक तो राइट right आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन डिफ्यूज़न रेट रेफर्स टू द रेट एट विच ऑक्सीजन इन द सॉइल एक्सचेंज विथ ऑक्सीजन इन इन द एटमोसफियर विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप हैज़ हाइएस्ट ओडीआर ओडीआर आर मीन्स ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट तो ऊपर क्या है डेफिनेशन लिखिए कि ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट किसको रेफर करता है द रेट एट विच ऑक्सीजन इन द सॉइल एक्सचेंज विथ ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर की जो सॉइल के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है देन एटमॉसफियर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसका जो एक्सचेंज होता है वो क्या कहता है ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट तो सबसे ज़्यादा ओडीआर या ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट जो होती है वो कौन सी क्रॉप में होती है तो ऑप्शन क्या है फर्स्ट राइस सेकेंड वीट थर्ड मेज फोर्थ पी तो जो ओ डी आर ऑक्सीजन डिफ्यूज़न रेट है वो हाइएस्ट किस में होती है पी में पी में ओडीआर जो होता है वो हाइएस्ट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच गेस इज रिलेटेड फ्रॉम पैड़ी फील्ड इनमें से कौन सी गेस है जो पैडी की फील्ड से रिले रिलीज होती है तो धान के खेत से कौन सी गैस रिलीज होती है तो इसके ऑप्शन क्या है सी एच फोर मिथेन एच टू एस हाइड्रोजन सल्फाइड सी ओ टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड एन एच थ्री तो पेडी की फील्ड से कौन सी गैस रिलीज होती है सी एच फोर मिथेन गैस रिलीज़ होती है धान के खेत से तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए मिथेन नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्पैक्ट सबसॉइल हैज हाउ मच परसेंटेज ऑफ पोर स्पेस जो कॉम्पैक्ट सबसॉइल होती है उसमें पोर स्पेस कितना प्रेजेंट होता है तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए टेन टू ट्वेंटी परसेंट दस से बीस परसेंट पोर स्पेस होता है ऑप्शन नंबर बी बीस से पच्चीस परसेंट पोर स्पेस होता है ऑप्शन नंबर सी पच्चीस से तीस परसेंट पोर स्पेस होता है ऑप्शन नंबर डी तीस से पैंतीस परसेंट पोर स्पेस प्रेजेंट होता है तो इसका राइट right आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी पच्चीस से तीस परसेंट कॉम्पैक्ट सब सॉइल में पोर स्पेस प्रेजेंट होता है राइट right आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट्स इज साइकल्ड इन दॉइल थ्रू एटमोसफियर इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट है जो सॉइल साइकल uh, uh, होता है सॉइल थ्रू एटमोसफियर तो ऑप्शन क्या है ए फॉस्फोरस सेकेंड पोटाश थर्ड जिंक फोर्थ नाइट्रोजन तो कौन सा जो होता है इसका राइट right आंसर क्या है नाइट्रोजन डी ऑप्शन द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द प्लान्ट ऑपटेंट नाइट्रोजन फ्रॉम दॉइल इन द फॉर्म ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट जो होते हैं वो कौन से फॉर्म को नाइट्रोजन को ऑपटेंट उप, करते अपटेक करते हैं तो ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर ए नाइट्रेट ऑप्शन नंबर बी नाइट्राइट ऑप्शन नंबर सी नाइट्रिक एसिड या ऑप्शन नंबर डी नाइट्रस ऑक्साइड तो इसका राइट आंसर क्या है नाइट्रेट तो मोस्ट ऑफ द प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रेट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को अपटेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्टिलाइज़र कंटेनिंग नाइट्रोजन इन एमाइड फॉर्म ये जो फर्टिलाइज़र है इनमें से कौन से फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन एमाइड फॉर्म में प्रेजेंट होती है तो इसके ऑप्शंस क्या है ऑप्शन नंबर ए यूरिया में ऑप्शन नंबर बी कैन में कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट ऑप्शन नंबर सी अमोनियम सल्फेट ऑप्शन नंबर डी अमोनियम फॉस्फेट तो राइट आंसर क्या है यूरिया यूरिया जो है इसमें फर्टिलाइजर कंटेनिंग नाइट्रोजन जो होता है अमाइड फॉर्म में प्रेजेंट होती है किसमें यूरिया में नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल वाटर अवेलेबल इज़ नोन एज होलार्ड जो टोटल वाटर अवेलेबल होता है वो क्या कहलाता है होलार्ड कहलाता है द टोटल वाटर अवेलेबल टू प्लांट्स टोटल वाटर अगर, अगर अवेलेबल है उससे तो क्या कहेंगे होलार्ड कहेंगे बट टोटल वाटर जो प्लांट को अवेलेबल होता है उसे क्या कहा जाता है तो यहाँ पर क्या है द टोटल वाटर अवेलेबल इज़ नोन एज होलार्ड यहाँ पर सॉइल कर लीजिएगा द दॉयल वाटर यहाँ सॉइल आएगा द सॉइल वाटर अवेलेबल टू प्लांट्स इज नोन एज जो सॉइल वाटर प्लांट के लिए अवेलेबल होता है वो क्या कहलाता है तो इसके ऑप्शन क्या है फर्स्ट होता है इकार्ड सेकेंड होलाड थर्ड क्रेसाड एंड फोर्थ डेल्टा तो राइट आंसर इसका क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी क्रेसाड क्रेसार्ड जो है वो प्लांट के लिए अवेलेबल होता है सॉइल वाटर अवेलेबल टू प्लांट्स इज क्रेसार्ड तो यहाँ कुछ टर्म्स हैं जैसे इकार्ड जो होता है होलार्ड मतलब जो टोटल वाटर प्रेजेंट है इकार्ड वाटर दैट इज़ प्रेजेंट इन द सोइल बट कांट भी एब्जॉर्ब और अदरवाइज यूटिलाइज बाई दी प्लांट जो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं या यूटिलाइज नहीं कर पाते वो वाटर क्या कहलाता है इकार्ड और क्रेसाड जिसे कहते हैं द सॉइल वाटर अवेलेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ जो प्लांट ग्रोथ के लिए जो अवेलेबल वाटर जो प्रेजेंट होता है प्लांट के लिए वो क्या कहलाएगा क्रेसाड़ एंड ड्यूटी क्या होता है इट इज द एरिया ऑफ लैंड दैट कैन बी इरीगेटेड विद द यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड अक्रॉस द बेस पीरियड जो एरिया कवर करता है जो वाटर वो क्या कहलाता है अपना ड्यूटी कहलाता है नेक्स्ट क्वेश्चन वैन दे आर आर वाटर लॉक्ड वैन दे आर आर वाटर लॉक्ड कंडीशन देन द अवेलेबिलिटी ऑफ विच मिनरल विल बी फाउंड इन दॉल जो वाटर लॉक्ड कंडीशन है तो कौन सा जो मिनरल है वो अवेलेबल होगा ऑप्शन तो क्या है आयरन फर्स्ट ऑप्शन है आयरन ऑप्शन बी नाइट्रोजन ऑप्शन सी मैगनीज ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी बोथ ए एंड सी मतलब आयरन एंड मैग्नीज जो है वो मिनरल अवेलेबल होंगे वाटर लॉक्ड कंडीशन में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स प्लेज प्ले द मोस्ट इफेक्टिव रोल इन कंट्रोलिंग द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन तो इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट है जो ट्रांसपीरेशन को कंट्रोल करता है तो इसके ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर ए जिंक ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम ऑप्शन नंबर डी फॉस्फोरस तो जो पोटेशियम होता है वो ट्रांसपीरेशन रेट ऑफ ट्रांसपीशन को कंट्रोल करने का काम करता है क्योंकि स्टोमेटा ओपनिंग एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग में कौन सा न्यूट्रिएंट भागीदार होता है पोटेशियम तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ फ्लोइंग इनमें से कौन सी सॉइल है जिन जो सेल्फ जिनका जिसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेल्फ फ्लोइंग होता है तो इसके ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर ए ब्लैक सॉइल ऑप्शन नंबर बी लेटराइट सॉइल ऑप्शन नंबर सी पी सॉइल सॉइल ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए जो ब्लैक सॉइल होती है उसमें सेल्फ फ्लोइंग का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होता है क्योंकि इसमें स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग की प्रॉपर्टी होती है फूलने और सिकुड़ने की तो उसी से उसी को क्या बोलते हैं सेल्फ फ्लोइंग वो किसमें प्रेजेंट होता है ब्लैक सॉइल में नेक्स्ट है लिटिल लिफ इन कॉटन लिटिल लीफ इन कॉटन इज़ ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कॉटन के अंदर लिटिल लीफ जो होता है वो किसके कारण होता है किसकी डिफिशियंसी से ए पोटेशियम से बी जिंक से सी मैग मैगनीस से डी मैग्नीशियम से तो लिटिल लीफ इन कॉटन किससे होता है जिंक से इसका राइट right आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी जिंक और वहीं अगर क्रिंकल लीफ पूछ लेते कि क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन क्रिंकल लीफ इन कॉटन कॉटन में क्रिंकल लीफ जो होता है वो किसके कारण होता है तो वो किससे होता है मैग्नीस से नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल एलिमेंट अमंग द माइक्रो न्यूट्रींट इनमें से कौन सा जो एलिमेंट है माइक्रो न्यूट्रियट है वो कैसा था नॉन मेटल तो ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर ए जिंक ऑप्शन नंबर बी कॉपर ऑप्शन नंबर सी बोरोन एंड ऑप्शन नंबर डी आयरन तो उसका राइट आंसर क्या है बोरोन बोन जो होता है वो कैसा होता है नॉन मेटल एलिमेंट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट कौन सा है ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन ऑप्शन बी सल्फर ऑप्शन सी मैग्नीज़ या ऑप्शन डी ऑक्सीजन तो जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं सी एच ओ तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया है ऑक्सीजन तो ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट ऑक्सीजन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द पार्ट ऑफ क्लोरोफिल क्लोरोफिल के लिए कौन सा एलिमेंट या क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है तो ऑप्शन ए मैग्नीशियम ऑप्शन नंबर बी सल्फर ऑप्शन नंबर सी आयरन या ऑप्शन नंबर डी मैग्नीज तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम एलिमेंट क्लोरोफिल के लिए कौन सा एलिमेंट ज़रूरी है मैग्नीशियम नेक्स्ट है अकोइची डिसीज़ ऑफ राइज इज ड्यू टू तो एक्सेस ऑफ किसके एक्सेस से राइज में अकोइची डिसीज़ होती है ऑप्शन ए एच टू एस हाइड्रोजन सल्फाइड ऑप्शन बी एच ओ ऑप्शन सी एन ओ या ऑप्शन डी सी ओ टू तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन सल्फाइड के एक्सेस से अकोईची डिसीज होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉप लॉगिंग इज अ मेथड ऑफ क्रॉप लॉगिंग जो मेथड होती है वो क्या है ऑप्शन ए सॉइल फर्टिलिटी इवेल्यूएशन ऑप्शन बी प्लांट एनालिसिस फॉर असेसिंग रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिय फॉर क्रॉप प्रोडक्शन क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो प्लांट का एनालिसिस करते हैं वो ऑप्शन नंबर सी असेसिंग क्रॉप डैमेज क्रॉप डैमेज को असेस करने के लिए ऑप्शन नंबर डी टेस्टिंग सूटेबिलिटी फॉर फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर की सूटेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए तो क्रॉप लॉगिंग मेथड क्या है ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर क्या है प्लांट एनालिसिस फॉर असेसिंग रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिय फॉर क्रॉप प्रोडक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन सॉइल आर डिफिशियंट इन इंडियन सॉइल जो होती है वो कैसी होती इसमें कौन सा एलिमेंट डिफिशियंट होता है या कम मात्रा में होता है तो इसके ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन एंड जिंक ऑप्शन नंबर बी बोरॉन एंड सल्फर ऑप्शन नंबर सी कॉपर एंड कैल्शियम ऑप्शन नंबर डी आयरन एंड मैग्नीज तो इंडियन सॉइल किसका दिफि... इंडियन सॉइल में क्या डिफिशियंट होता है ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन एंड जिंक डिफिशियंट होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक सॉइल्स आर बेस्ट सुटेबल फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर बेस्ट ब्लैक सोइल जो होती है वो ड्राई लैंड के लिए बेस्ट होती, होती है बेस्ट सूटेबल होती है कैंकर नोड्यूल्स आर मोस्टली फाउंड इन विच सॉयल ब्लैक सॉयल तो ड्राई लैंड के लिए सूटेबल है वो तो ठीक है बट क्वेश्चन क्या है कैंकर नोड्यूल्स कौन सी सॉइल में पाए जाते हैं तो उसका ऑप्शनस है एल्यूवीएल सॉयल ऑप्शन बी ब्लैक सॉयल ऑप्शन सी रेड सॉइल या ऑप्शन डी लेटेराइड सॉइल तो कैंकर नोड्यूल्स मोस्टली किस में पाए जाते हैं रेड सॉयल में तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रेड सॉयल नेक्स्ट क्वेश्चन है बिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर इनमें से कौन सा सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर नहीं है तो राइट right, ऑप्शन uh, क्या है ऑप्शन नंबर ए क्लाइमेट ऑप्शन नंबर बी ऑर्गेनिज्म ऑप्शन नंबर सी रिलीफ या ऑप्शन नंबर डी मॉइसचर तो सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स का मैंने क्या बताया था क्लोरप्ट क्लोरप्ट क्लाइमेट भी है सॉइल फार्मिंग में ऑर्गेनिजम्स भी हैं रिलीफ भी है पेरेंट मटेरियल भी है एंड टाइम भी है तो कौन सा नहीं है मॉइस्चर तो राइट right आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी मॉइस्चर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव सॉइल फार्मिंग फैक्टर इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिव सॉइल फार्मिंग फैक्टर्स में क्या चीज़ें तो ए वेजिटेशन एंड क्लाइमेट ऑप्शन नंबर ए वेजिटेशन एंड क्लाइमेट ऑप्शन नंबर बी टाइम एंड वेजिटेशन ऑप्शन नंबर सी टाइम टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट ऑप्शन नंबर डी वेजिटेशन एंड टोपोग्राफी तो इसका राइट आंसर क्या है एक्टिव सॉइल फार्मिंग फैक्टर्स कौन से हैं तो राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर ए वेजिटेशन एंड क्लाइमेट नेक्स्ट है द स्पीसीज ऑफ राइजोबियम प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल ऑफ सोयाबीन सोयाबीन के रूट नोड्यूल में राइजोबियम की कौन सी स्पीसीज पाई जाती है तो ऑप्शन क्या है फर्स्ट राइजोबियम जेपोनिकम सेकेंड राइजोबियम लेग्यूमिने थर्ड राइजोबियम ट्राइफोली या फोर्थ राइजोबियम फोस्ट तो राइट right आंसर क्या है राइजोबियम जेपोनिकम जो है वो सोयल के नोड्यूल्स में प्रेजेंट होती हैं सॉरी सोयाबीन के नोड्यूल्स में प्रेजेंट होती हैं कौन सी राइजोबियम जेपुनिकम तो यहाँ अपनी ऑब्जेक्टिव की क्लास फिनिश होती है और मैं उम्मीद करूँगी कि आपको सारी क्वेश्चंस जो हैं वो सारे समझ में आए होंगे और आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप आपके मार्क्स मतलब ये क्वेश्चंस बता देना कि आपके फोर्टी क्वेश्चंस में थे से कितने क्वेश्चंस राइट थे थैंक यू सो मच